हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। तो ये बहुत ही क्विक एंड इजी सा मेकअप लुक है तीज के लिए, और अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो भी आप इस तरह का मेकअप लुक घर पे कर सकते हैं। कोई भी छोटी मोटी फंक्शंस है, पूजाज है, तो बहुत ही नेचुरल सा मेकअप लुक है। और अगर तीज के दूसरे दिन भी बहुत सारी मैरिड वुमेन रेडी होती हैं, अगर आपको रेडी होना है तो इस तरह का मेकअप लुक आप कैरी कर सकते हैं। सटल सा है और बहुत ही नेचुरल लगता है। ये मैंने सिंपल मेकअप लुक क्रिएट किया है, एक मैंने आप लोगों के साथ हैवी मेकअप लुक भी शेयर किया है। अगर आपको कुछ हैवी मेकअप लुक करना है तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले हम स्किन केयर करेंगे, तो मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का टोनर यूज़ कर रही हूँ अपने पूरे फेस पे। ये आपके फेस को हाइड्रेटेड रखता है और आपकी मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। पूरे दिन में कम से कम आपको 2 से 3 बार मिनिमम टोनर यूज़ करना चाहिए अपने फेस पे। इस तरह से मैंने पैट कर लिया है ताकि मेरा जो प्रोडक्ट है मेरे फेस में अब्जॉर्व हो जाए। फिर मैंने यहाँ पर लिया है डर्म डॉग का सेरम अपने फेस पे अप्लाई करने के लिए। मेरी ड्राई स्किन है तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जब मैं अप्लाई करती हूँ मेरी फेस हाइड्रेटेड भी हो जाती है, और साथ ही एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ जाता है मेरे फेस पे, जो कि बहुत नेचुरल लगता है। ऑयली स्किन वालों के फेस पे ऑलरेडी एक ग्लो रहती है, बट ड्राई स्किन वालों की जो फेस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डल लगती है। फिर मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र के लिए यूज़ किया है गुड वाइब्स का मॉइस्चराइज़र। यहाँ पे मैंने एलोवेरा फ्लेवर वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। ये एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है, आप कोई भी अपनी फेवरेट प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि जब भी आप मेकअप अप्लाई करेंगे तो आपका जो स्किन है वो ऑलरेडी बहुत हेल्दी लगता है, मेकअप अप्लाई करने में भी अच्छा लगता है, और मेकअप ग्लाइड भी बहुत स्मूदली होती है। तो मैंने इसको इस तरह से अपने फेस पे पूरी तरह से अप्लाई कर लिया है। नेक पे भी हम अप्लाई करेंगे। लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे वाडी हर्बल्स का लिप बाम यूज़ किया है। इसमें मेरा फ्लेवर है मिंट। समर्स के लिए बहुत ही अच्छा लिप बाम है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कूलिंग सेंसेशन देता है एंड कंफर्टेबल भी है लिप्स पे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सीसी क्रीम यूज़ किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आज प्राइमर स्किप किया है, इस वजह से मैंने जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ किया था क्योंकि वो प्राइमर का भी बहुत अच्छा काम करता है। इसमें मैं जस्ट एक पर्ल साइज ड्रॉप जितना एले कलर्स का इल्यूमिनेटिंग स्किन एनहेंसर यूज़ कर रही हूँ। ये एक लिक्विड हाईलाइटर है, तो मैंने जस्ट ज़रा ज़रा सा प्रोडक्ट लिया है। अब जब मैं इसे मिक्स करूँगी तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से ये स्प्रेड हो गया है। अब इसे हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे और आप देखिएगा कि ये बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा पूरे फेस पे। कम प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, लाइक अगर आप थोड़ा सा फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं या सीसी क्रीम यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, लाइक मिक्स करेंगे, तो आपका जो फाउंडेशन है या सीसी क्रीम है वो इवनली स्प्रेड होगा और प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होती है ना, वो भी अपने आप बढ़ जाती है। तो इस तरह से मैंने अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लिया है क्योंकि मैंने इस मेकअप को पूरे दिन वेयर करने के लिए लाइक क्रिएट किया है, इस वजह से मैंने प्राइमर स्किप किया है। प्राइमर इतनी ज़रूरी नहीं होती अगर आप कोई भी जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ करें अपने फेस पे। तो फिर मैंने सेम सीसी क्रीम को एज अ कंसीलर भी यूज़ किया है। पूरे दिन अगर आपको कोई मेकअप लाइक अप्लाई करना है तो कम से कम प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, या फिर आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो कंफर्टेबल होना चाहिए और आपके फेस पे लॉन्ग लास्टिंग भी होना चाहिए। तो मैंने इसलिए आज यहाँ पे सीसी क्रीम यूज़ किया। आप चाहे तो यहाँ पे फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने पूरे फेस को सेट करने के लिए यहाँ पे लॉरियल का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है। इससे क्या होगा, आपका जो बेस है ये पूरे दिन टिका रहेगा और बिल्कुल भी कहीं से केकी और पैची नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया। आप चाहें तो कोई भी लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे। अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी पूजा हो रही है तो भी आप इस तरह का मेकअप कर सकते हैं क्योंकि पाउडर जो है वो आपके मेकअप को ज़्यादा देर तक होल्ड करता है। फिर मैंने यहाँ पे मेबलिन का ब्रो पेंसिल यूज़ किया अपने आईब्रोज़ को फिल करने के लिए। आज हम आईब्रोज को बिल्कुल नेचुरल रखेंगे, बिल्कुल भी ड्रामेटिक सा लुक नहीं देना है, कोई भी ज़्यादा शेपिंग अप नहीं करना है। इस वजह से जहाँ कहीं भी स्पार्स एरिया है वहाँ पे मैं फिल कर रही हूँ, और एक स्पूली की हेल्प से मैंने इसको कोम कर लिया है। बहुत ही नेचुरल लगेगा और घर के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। फिर मैंने यहाँ पे एक स्टे कोकी का आई शेडो पैलेट लिया है। बहुत ही बेसिक आई मेकअप लुक रहने वाला है, इस वजह से मैंने ये ब्राउन शेड पिक किया है और अपने लिप्स पे अप्लाई करूँगी। अगर घर पे कोई फंक्शन है तभी आप इस तरह का लाइक आई शेडो अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आपको सिर्फ घर पे रहना है तो आई शेडो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये आपके ऊपर है कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो मैंने इसको इनर और आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया है, और मिडिल में मैंने ये गोल्डन शेड को जस्ट हैंड से पिक करके जस्ट अप्लाई कर लिया है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप ये वाला मेकअप लुक बहुत ईजिली कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी मैंने ट्रिक्स यूज़ किए हैं और जो भी टेक्निक्स है बहुत सिंपल है। फिर मैंने यहाँ पे स्टे कोकी का काजल लिया है क्योंकि आइज़ जो है ना उसे थोड़ी सी बड़ी दिखानी थी, इस
वजह से मैंने इसको पहले जहाँ पे हम आईलाइनर अप्लाई करते हैं वहाँ पे अप्लाई कर लूँगी, जस्ट रफली ही ड्रॉ करूँगी। मुझे यहाँ पे आईलाइनर यूज़ नहीं करना था, और क्योंकि पूरे दिन अप्लाई करके रखना है मेकअप, तो ये वाला जो मेकअप है ना, इससे आपकी आँखें जो है वो बड़ी लगेंगी। मैंने सेम काजल से अपनी वाटर लाइन को भी टाइट लाइन कर लिया, और एक ब्रश की हेल्प से जहाँ मैंने आईलाइनर अप्लाई किया था उसको स्मज आउट कर दूंगी। इससे एक बिग आईज का इल्यूजन आएगा और आपका जो आई है ना वो भी बहुत नेचुरल लगेगा। कई बार जो है आईलाइनर जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर लगता है। फिर मैंने यहाँ पे मस्करा के लिए ब्लू हेवन का मस्करा लिया है। एवरीडे के लिए बहुत अच्छा मस्करा है, बट क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और कैमरा पे ज़्यादा विजिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने ऑफ कैमरा फॉल्स लैशेज भी अप्लाई किया। अदरवाइज उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे दिन के लिए आप कोई भी अच्छा सा मस्करा यूज़ कर लीजिए। फिर मैंने यहाँ पे ब्लश के लिए एक रेड लिपस्टिक यूज़ किया है। ब्लश जो है आपकी मेकअप में सबसे पहले उतरती है, लाइक झड़ जाती है, तो आप जो है कोई भी क्रीम ब्लश यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट होता है लिपस्टिक। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रेड लिपस्टिक जो है उसको आप बहुत ही कम क्वांटिटी में अपने चीक्स पे अप्लाई कीजिए और ब्लेंड कर लीजिए। बहुत नेचुरल लगता है, ऐसा लगता है कि ब्लड की सर्कुलेशन आपके फेस पे बहुत लाइक विजिबल हो रही है। मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट अपने नोज़ पे भी अप्लाई कर लिया है, क्योंकि मेरी चबी फेस है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा कॉन्टोरिंग भी किया है। बहुत ही लाइट कॉन्टोरिंग है जो कि ज़्यादा विजिबल भी नहीं होगा। आप कोई भी न्यूड या फिर पिंक लिपस्टिक की जगह एक बार रेड लिपस्टिक से ब्लश अप्लाई करके देखिएगा। बहुत पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने रेड लिपस्टिक को बहुत तरीके से अपने मेकअप लुक में यूज़ किया था। तो इस तरह से मैंने जो कॉन्टूर है उसको ब्लेंड कर लिया है और नोज़ पे भी अप्लाई कर लिया है। ये वाला जो कॉन्टूरिंग है बिल्कुल भी फेस पे विजिबल नहीं होगा, और मेरा जो फेस है वो भी स्कल्पचर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया है। आपके पास जो भी लाइक ब्रश है या फिर स्पॉन्ज है उससे आप मिक्स कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे मैक्स एंड मोर का हाइलाइटर पैलेट लिया है। अपने नोज़ पे हाइलाइटिंग करूँगी, थोड़ा सा ब्रॉ बोन और थोड़ा सा चीक्स पे, क्योंकि थोड़ा नेचुरल रखना है, इस वजह से ज़्यादा हाइलाइटर अप्लाई नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैंने इनर कॉर्नर पर भी अप्लाई किया है। अगर कहीं बाहर जाना होता तो मैं थोड़ा ज़्यादा हाइलाइटर यूज़ करती। आप देख सकते हैं कि बहुत ही सटल सा ग्लो के लिए मैंने जस्ट थोड़े थोड़े हाइलाइटर पिक करके अपने फेस पे अप्लाई किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर घर पे कोई छोटी मोटी फंक्शन है या फिर तीज के दूसरे दिन आप मेकअप कर रहे हैं तो आप इस तरह का मेकअप कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक रेड लिप लाइनर यूज़ किया है जो कि है स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर। कई दिनों से मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं आपको। जितनी भी आपके पास लिपस्टिक की कलेक्शन है सबके लिए कोई ना कोई लिप लाइनर आपको इस वाले रेंज में मिलेगा। तो उसको मैंने अप्लाई कर लिया। फिर मैंने एक रेड लिपस्टिक यूज़ किया है जो कि मेरी ड्रेस का मैचिंग है, एंड ब्राइड्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि रेड से बेटर कोई शेड नहीं होता, इसलिए मैंने एक क्रीम फिनिश वाला NYBA का ड्यूअल मैट लिपस्टिक अप्लाई किया है। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जा करके चेकआउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ माई फाइनल मेकअप लुक। आप जो है ये वाला मेकअप लुक साड़ी में भी वेयर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल सी कुर्ती लाइक कुर्ता सेट डाला है, और मैंने हैवी ईयरिंग्स पहने हैं। आप कोई भी सेट भी पहन सकते हैं। बहुत ही नेचुरल सटल सा मेकअप है, ओवर द टॉप नहीं लग रहा है, और बिल्कुल बहुत ही नेचुरल सा शीन है। मैंने क्लोजअप करके दिखा दिया कि फेस पे ज़्यादा मेकअप विजिबल नहीं हो रहा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और किस तरह के मेकअप ट्यूटोरियल्स आपको देखने हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यस, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।